एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज ना इनकी डाइट मैंने बनाई है जो प्रॉपर मतलब बेस्ट डाइट फॉर डॉग्स होती है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाता हूँ, सुबह सुबह के भी इनकी पहली डाइट है। तो मैं कहा आप लोगों को दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या मैं डालता हूँ इसमें, क्या सारा सीन वगैरह। तो ये जो है ये शेडो की है और ये साथ वाली जो है ये मैक्सी की है। अब इसके अंदर यार कीमा है और चावल है और टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने डाला हुआ है चिकन पाउडर, क्योंकि जो कीमा होता है ना वो ज़रा थोड़ा बस जायका होता है और ये उबाल के है सारा कुछ ना। तो इस वक्त इसमें अंडा तो नहीं है क्योंकि अंडा दूंगा मैं इनको रात को, मैक्सी को दो दूंगा और दो शेडो को। बाकी इस वक्त जो है शेडो के तकरीबन आधा किलो चावल, आधा किलो से ज़्यादा होंगे और आधा किलो ही कीमा है इसमें। मैक्सी का वो फिर थोड़ा बहुत ही बना देते हैं, उसमें पाओ चावल और पाओ कीमा डाल देते हैं। लेकिन अगर कुत्तों की आप अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये डाइट बहुत ज़रूरी है और रात को ज़रूर आपने इनको अंडा देना। ये देखें थोड़ी थोड़ी यखनी भी है अंदर। जब रात को मैं बनाऊंगा ना आपको अंदर अंडा वगैरह डाल के दिखाऊंगा कि किस तरह इनको ना सारा प्रॉपर डाइट देनी है। तो ये बड़े शौक से खा लेते हैं, ये बड़ी बेस्ट डाइट। ये इसके काम चेक करें आप, ये इसका खाना और इसके चलाने। मैक्सी नो नो नो, शेडो को तो ट्रेनिंग दी है वो नहीं करती, इसको भी देंगे इंशाल्लाह, इसको सीधा करेंगे, जरा कुट शुट चढ़ाएंगे इसको, खुशियाँ देखें इसकी। नहीं मिलना खाना, नो no। जब तक इंसान नहीं बनेगी तब तक नहीं मिलेगा। तो यार इससे तो सबर ही नहीं हो रहा, चेक करें आप। मैक्सी बस आ जा, सारे मेरे पाँव तूने गंदे कर दिए, बस आ। इस तरह अगर तंग करेगी तो खाना नहीं मिलेगा। इधर देख, सारा पिंजरा खराब कर रही है अपना। वे चलाओ तो चलो, चेक करें आप कितने शौक से खा रही है ये। अब इसमें बस रात को ये करना है कि थोड़ा सा अंडा ऐड कर देना और अगर आप लोग चाहें तो ग्रीन वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की डाइट है कुत्तों के लिए। और ये जो कीमा है ये कोई वो दूसरा वाला नहीं कि गंदा छिछड़ो वाला, ये वो, ये प्रॉपर चिकन का कीमा है, क्योंकि दूसरे कीमे वगैरह से जो लोग कहते हैं वो बड़ा अजीब काम होता है उससे सारा ना, शाइन शुइन वगैरह उससे कोई नहीं आती। ये चिकन का कीमा, इससे कुत्ता आपका शाइन बड़ा करता है। पहले मैं इनको पूरे मल्टी वाइटमिन वगैरह देता था, वो मंगवाऊंगा जब, तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा सारे ना, क्योंकि शेडो का तो वो जो है वो पीरियड ख़त्म हो गया है अब सारा ना। शेडो बिल्कुल परफेक्ट कर दी हुई है मैंने फीमेल के हिसाब से। बाकी ये मैक्सी की ट्रेनिंग है तो मैक्सी का हमने प्रॉपर ध्यान रखना है ना सारा डाइट वगैरह का। इसलिए नहीं जा रहा जब तक तो मैक्सी नहीं खा लेगी, वरना ना शेडो इसको भगा भगू के ना इसका सारा खाना खा जाएगी और अपना भी खा जाएगी। ये लगती मासूम है भी लेकिन इतनी नहीं है, पूरी चीज़ है। तो अब शेडो की बारी है। शेडो की तरह जो खुराक है वो थोड़ी नॉर्मल कुत्ते से ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा नहीं काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी ये चावल ज़रा थोड़े हैं, अब ये मार खाएगी शेडो से। आ कहा मार अपना, ये देखें सारा खा गई है और अब इसका पेट देखें आप, लेकिन इसकी नीयत नहीं भरती। और शेडो हमारी आप देखें कितने प्यार प्यार से खाती है तमीज से, पर ये एक नंबर की जाहिल है बहुत बड़ी। इस डाइट से कुत्ता बीमार वगैरह भी नहीं होता ना, कभी जिंदगी में उसका पेट नहीं खराब हो सकता। मैक्सी मैक्सी अपना पेट देख, तेरा पेट नहीं भरता है। नो मार पड़ेगी, इधर आ जा, खाने का वसा नहीं, खाते वक्त नहीं शेडो किसी का भी हया करती। खैर इंसानों को तो कुछ नहीं कहती लेकिन दूसरे जानवरों का वो उड़ा के फेंकती है। देखे मैं पास आया हूँ ना खाते, मुझे इसने कुछ भी नहीं कहना, बेशक मैं इसके मुंह से निवाला भी निकाल लूँ मुझे कुछ नहीं कहेगी। ये देखे मैं अभी यहाँ पे आके बैठ गया उसके पास, इसने कुछ भी नहीं कहना मुझे। पर मैक्सी अगर आएगी तो वो उसको उड़ा के वो दरवाजे में फेंकेगी। ये देखे मेरा ये हाथ देखे, ये देखे चुबाते हुए मेरा प्यार भी। मैक्सी मार पड़ेगी मुझे, ये देखिए मार खा लेने इसको, जरा खा तू मार। तुझे ना किसी दिन इतनी को मार पड़ जानी है ना मेरे से कि तूने अगले व्लॉग में सिर्फ उठना ही नहीं और सोया रहा करना है, तो तू इंसान की बच्ची बन जा। तो यार इसका जो ये वाला कान है ना इस साइड वाला, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो इसका भी अब आज या तो कल इसको डॉक्टर पे लेकर जाऊंगा, उसको कहूंगा भाई इसको देखो
अगर कोई मसला है तो ठीक करो। अब इसको ना ये इसके काम देख लें आप, इतना खाने के बाद भी खाली बाटा चाटी जा रही है। अब इसका पेड़ नहीं भरता, ये पता नहीं कौन सा पेड़ लेके पैदा हुई है जाहिल। दिन हो गया मैं ऊपर छत पे नहीं गया, तो मैंने कहा आज आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, खुद भी देखता हूँ जाके क्या सीन चल रहे हैं पे छत पे। तो यार ये लूसन है ऊपर वाले जानवरों के लिए, ये मैं ले आता हूँ बहुत सारा ना, चलते हैं फिर ऊपर ले गए, इतना बहुत है, बाकी शाम को डालेंगे फिर देखते हैं। यार ये तो खाते हुए भी चुप नहीं करती, क्या जाहिल बतखें। ये देखें यार ये कितने प्यारे लग रहे हैं रैबिट्स खाते हुए। ये मेरे ख्याल से बच्चे देने वाली है, अब आगे देखें आप, अल्लाह बेहतर करें। सारा मैंने इनके सेटमेंट करा दिया, इनके लिए सारी सफाई करा दी थी, जो अंदर सामान था वो मैंने सारा साइड पे रखवा दिया, बाकी मैंने कहा सारा इनके लिए क्लियर कर दो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये चेक करें आप, सारा कमरा इनके लिए ओके हो गया। ये ट्रेडमिल का डब्बा था, ये फाड़ के हमने तो सुराख कर दिया ताकि खरगोश वगैरह अंदर चले जाएं इसके रात को। ये बतखों के लिए बनाया हुआ, लेकिन इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है बतखों से, ये बस तंगी कर सकती हैं, मार सकती हैं दूसरे जानवरों को और बस, और इनका इस दुनिया में कोई काम नहीं है। यारी क्या साइको बतखी है वैसे, यहाँ पे सारा छोड़ के वो वहां पे जाके चार दाने खा रही हैं, फिर नीचे गिर जाएंगी तो लत बांध तुड़वा लेंगी अपनी जाहिल। यार ये जो गोली है ना ये ओसोनेडी है, ये बोन्स के लिए कैल्शियम वगैरह बहुत अच्छी है। ये शेडो को मैंने पूरा एक साल खिलाई हुई है, ये देख सकते हैं आप, शेडो की कोई टांग कुछ भी टेढ़ा नहीं है, जो आउट हो जाता है पाँव वगैरह। तो यही है, मैं मैक्सी को देता हूँ, तो ये आपने देनी है कुत्ता देख के कि उसका साइज़ कितना है, हेल्थ कैसी है। अब मैक्सी जो है ना इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो इसकी एज भी 3 महीने हो गई है आज ना, तो इसको तो मैं पूरी देता हूँ। ये तकरीबन अभी तक मैं इसको 10 गोलियाँ खिला चुका हूँ। ये बेसिकली इसकी टांगों का थोड़ा मसला हुआ हुआ था, और अब इसके जो कान है ना उसके लिए ये बड़ी परफेक्ट है। तो मेरा मानना तो है आपको हर कुत्ते को अपने देनी चाहिए, क्योंकि बंदा जब चीज़ रखे ना तो उसका ख्याल प्रॉपर रखे। अब जैसे कि मुझे इसके उस कान की बहुत टेंशन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो स्वेलिंग है, तो अल्लाह खैर करे मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा, तो अब मैं इसको गोली खिला लूँ ज़रा। कैल्शियम तो आपने कुत्ते को देते ही रहना लाइफ टाइम, क्योंकि जब ये छोटी थी 1-1.5 महीने की थी, तो तब इसको मैं देता था कैल्शियम पी का सिरप, क्योंकि कैल्शियम इनके लिए ज़रा ना साल तक बहुत ज़रूरी होते हैं, जो आप लोग चाहते हैं ना कि कुत्ता बहुत हैवी बने ये बने। जैसे कि अब शेडो फीमेल है, तो मैं इसको कहीं लेके जाऊँ कोई भी नहीं कहता कि ये फीमेल है, सारे कहते हैं यार ये तो मेल लगता है। और एक बार ये बच्चे भी दे चुके, पर वो लगती नहीं है क्योंकि वो इतनी फिट हो गई हुई है सारी हर लिहाज से, आप लोग देख सकते हैं। बाकी अब तो आप देख ही सकते हैं कि मैक्सी कितनी सीधी हुई हुई है, तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि इसके साथ अभी क्या हुआ है। यार ये टिकनी नहीं देती गैराज में किसी को भी, सबको इसने डरा के रखा हुआ है, और ये मेरी वाहिद कुतिया जो खाना खाते हुए पड़ती भी है। खाना आप जिस तरह मर्जी का दें कुत्ते को, लेकिन बात यह कैल्शियम ज़रूर दें अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छा ग्रो करे, उसके मसल बोन वगैरह स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि जब बोन स्ट्रॉन्ग होगी तो आप जितनी मर्जी डाइट दें कुत्ते को, जितना मर्जी मोटा करें आप, फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी टांगों को। लेकिन अगर कैल्शियम ही नहीं खाना तुम दे जा रहे हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसकी टांगे शांगे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सब कुछ हो जाना उसके साथ, लगड़ पगड़ बन जाना उसने। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगे होगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। बाकी फिर शेडो की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आप सबको अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।